नमस्कार साथी, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इस सप्ताह में हम सुबह 7 बजे आपके सामने वर्ग समीकरण लेकर उपस्थित हैं। वर्ग समीकरण का वो चैप्टर जिसके बारे में हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो समीकरण के तीसरे भाग में एक चरी रेखिक समीकरण, दो चरी रेखिक समीकरण और ये वर्ग समीकरण का जो पार्ट है, इसमें हम पहले प्रीवियस पार्ट में फ्राइडे को शुक्रवार के दिन 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये हमारे पास आज टेस्ट की बारी है, तो आप कुछ मत करिए, बिल्कुल आराम से उन 7 क्वेश्चनों को देखिए और आज आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मिलेगा, आपकी पीडीएफ मिलेगी, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 10 क्वेश्चन के बारे में करना है। उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, वहां जाने से पहले एक चीज उसके बारे में समझ लीजिए कि वहां क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। तो वहां पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर और इक्वल वाई, एक्स लेस और इक्वल वाई और एक्स इक्वल टू वाई, या एक्स वो y के बीच में नो रिलेशन, किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं हो तो ही देना। तो अब यहां पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, एक वर्ग समीकरण आती है और एक वर्ग समीकरण के बाद, ध्यान से सुनिए, एक वर्ग समीकरण आती है और एक वर्ग समीकरण के बाद उस वर्ग समीकरण को सोल्व करना है, एक वर्ग समीकरण सोल्व करना है और उसके बाद उसमें दो वर्ग समीकरण रहेगी, एक तो वर्ग समीकरण रहेगी और दूसरी एक और रहेगी, एक के वैल्यू एक्स रहेगी, दूसरे की वाई रहेगी और एक्स और वाई के बीच में आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप किसी ने अगर इस प्रकार की चीजों को कभी नहीं देखा हो तो मेरे एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने के बाद ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अपलोड करके डाउनलोड करके और उसके बाद पढ़े, और जिनको इनके बारे में पता हो तो वो डायरेक्ट जाकर 10 क्वेश्चन को सॉल्व करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ के करेंगे, हमें ही करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रैक्टिस करना है, इसलिए सब। तो यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके पास 6x² - 19x + 15 = 0 और 10y² - 29y + 21 = 0 और ये क्वेश्चन नंबर एक। अब इसको हमें सोल्व करना है, इसको कैसे करना है वो समझो, इसको कैसे करना है इससे पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले 6x² - 19x + 15 = 0 एक वर्ग समीकरण को इसको हल करने की जिन विधियां होती है, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और हमारी डायरेक्ट मेथड या वैदिक मेथड, हम डायरेक्ट विधि से डायरेक्ट सवाल करेंगे, ठीक है। आपको यहां पर मैं एक सवाल को बता देता हूं, उसके बाद सारे सवाल को फास्ट फास्ट करेंगे। 15 × 6 = 90, फिर से 15 × 6 = 90, 90 के ऐसे टुकड़े करना कि जोड़ने पर 19 आए, कितना है, जोड़ने पर कितना है 19, 15 × 6 = 90 और ऐसे, तो 10 और 9 = 19 हो गए, तो 10 और 9 = 19 हो गए और -10 और -9 = 19 हो गए और -10 में -9 का गुणा करेंगे तो +90 हो जाएगा, ठीक। बटे 6 लिखते हैं, यानी जब भी इसे गुणनखंड करने के बाद ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो यहां पे लिख दिया आपने, बस। अब इसके जो चिन्ह बदल देते हैं वही इसके उत्तर होते हैं, चिन्ह बदल दो इसका, देखो 5 × 2 = 5, 10 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और यहां पे माइनस है तो माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फिर मैं बता रहा हूं, जो भी हमारे गुणनखंड के चिन्ह आते हैं वो चीजें क्या होती है, प्लस होती है, तो आपका उत्तर रहेगा 5/3 और दूसरा रहेगा 3/2, समझ पा रहे, ठीक। अब उसी प्रकार से दूसरे सवाल पर, अब यहां से हमें कंक्लूजन मिला, उस कंक्लूजन के बारे में मैं बता देता हूं कि जब अब वर्ग समीकरण में एक शुरुआत में माइनस हो और दूसरा प्लस साइन हो, जैसे कि ये माइनस और प्लस, तो आपके जो आंसर होते हैं वो चिन्ह दोनों ही प्लस प्लस होते हैं, क्या होते हैं, दोनों ही प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहां पर 5/3 और 3/2, ठीक हो गया ये सही। अब दूसरा समीकरण कहते हैं 21 × 210, 21 × 210, तो 210 का मतलब अब यहां पे 210 करके नहीं करना, जब इस प्रकार की जब 100 से बड़ी हो जाती है तो हमें क्या पहाड़े नहीं आते, तो उस प्रकार की कंडीशन जो क्या करें, 10 को लिखे हम 5 × 2 और 21 को लिखे 7 × 3, भाई इसके भी गुणनखंड करते हैं, इसके भी गुणनखंड करते हैं। अब यहां से हमें सोचना है कि क्या करें कि जोड़ने पर 29 आ जाए, भाई 10 और 21 तो 29 होते नहीं,
इसका मतलब तो 7 × 2 = 14 और 5 × 3 = 15, तो 14 और 15 = 29 होते हैं, और 14 और 15 का गुणा किया जाए तो 210 होंगे, होंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब होता है इसके गुणनखंड क्या होंगे, 14 और 15। अब यहां से हमको चीजें जो प्राप्त हुई थी उसको देखो, जब आपके माइनस और प्लस एक साथ होता है, यानी x का गुणांक माइनस हो और अचर का गुणांक अगर प्लस हो, हमेशा उत्तर प्लस की आते हैं, बाय द वे टेंशन लेना ही नहीं, क्या लेना आपको उत्तर प्लस की आते हैं, तो ये 14/10 और 15/10 इसके होता है, राइट। तो 14/10 में मतलब होता है 7/5, और यहां पे 3 से आपके 15/10, तो 3 5 से काटे तो 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, ये आपके उत्तर। भाई आप यहां माइनस लगा दूंगा दोनों के, फिर माइनस हटाऊंगा नहीं, तो माइनस और प्लस हो तो हमेशा उत्तर कितने आते हैं, प्लस में हमेशा उत्तर क्या आते हैं, प्लस आते हैं। अब इसमें से डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए सॉल्व करते हैं, फिर 5/3 और 7/5 की तुलना करना। मैंने आपको भिन्न की तुलना के बारे में बताया था कि जब 5/3 और 7/5 की तुलना करना कि ये बड़ी की ये बड़ी, तो क्रॉस गुणा करो, 5 × 5 = 25, 3 × 7 = 21, तो इधर लिखा 25 इधर लिखा 21, तो जो चीज बड़ी होती है वो बड़ी होती है और जो चीज छोटी होती है वो छोटी होती है, इसका मतलब होता है ये चीज बड़ी। अब इसके बाद इसकी तुलना इससे करेंगे तो कितना होगा, 5 × 10, 3 × 3 = 9, ये बड़ी, फिर इसकी तुलना करेंगे इसकी, तो 5 × 10, 7 × 3 = 21, मतलब कौन बड़ी, ये बड़ी। आपके पास देखो फिर से 3/2 और 7/5 की तुलना करना, तो 5 × 7 = 15 और 2 × 7 = 14, तो ये बड़ा, ठीक। और उसके बाद इन दोनों की तुलना करेंगे तो कौन है बड़ा, बराबर है दोनों, तो इसका मतलब होता देखो एक जो है वो 3 बार तो बड़ा है और 1 बार क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब होता है x बड़ा या बराबर है y के, तो इसका उत्तर होगा x बड़ा या बराबर है y के, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, तो ये आपका पहला सवाल। आशा करता हूं कि पहला सवाल आपको समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, पहले ना कोई दिक्कत हो तो दूसरे पास चलते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है, मुझे साफ दिख रहा है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे कदमों की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 12x² + 11x + 56 = 0, एंड सेकंड इज 4y² - 15y + 14 = 0। अब इसके बारे में सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, आपके पास पीडीएफ है, आपने तो कर लिया होगा इसको, ठीक है। अब इसको करते हैं, 56 में 12 का गुणा करने पर कितना आता है, देखिए मैं यहां से इस सवाल को देखते ही गोली मार सकता हूं कि इसका उत्तर क्या आएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे बोल दिया, दूसरे का उत्तर क्या आएगा, 12x² + 11x - 56, अगर यहां तो ऊपर प्लस होता ना तो मैं डायरेक्टली बोल देता ये -56, ठीक है। अब यहां तो इसका मतलब होता है यहां पर है प्लस माइनस और यहां है माइनस, तो माइनस प्लस का उत्तर तो दोनों ही प्लस आएंगे, ये बात तय है, ये बात 100% है कि माइनस प्लस का उत्तर कितना आएगा, प्लस प्लस आएगा, पर प्लस माइनस का उत्तर क्या होता है, अलग आएगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहां 56 में 12 का गुणा करें, अपने को फालतू गुणा करना है, अपने को तो क्या करना, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 और 56 को लिख सकते हैं 7 × 8 और 8 को भी 2 × 2 × 2 और 4 को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, 12 में 56 का गुणा करने पर ऐसे टुकड़े करना है कि घटाने पर 11 प्राप्त हो, क्योंकि यहां पे चिन्ह जो होता है वो मोले नंबर, घटाने पर 11 प्राप्त हो, तो यहां पे क्या बोलेंगे, 7 × 3 = 21 और 8 × 6 = 32, 32 में से 21 गए कितना बचे, क्या बात ही खत्म। तो यहां पर क्या होगा, यहां कौन सा साइन है 11, तो वो साइन 32 को देगी और 11 साइन किसको देगी, 32 और कितना होगा 21, ये साइन होगा, ये अपना नेचुरल फैक्टर है, और बटे कितना होगा 12, ठीक। तो यहां पे कितना होगा 32/12 और -21/12, परंतु आपको ये पता है कि इनके साइन बदलने पर ही इसके उत्तर प्राप्त होते हैं, ये तो इसके गुणनखंड हुए, उत्तर जो प्राप्त होते हैं इसके चिन्ह बदलना पड़ते हैं, तो 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32, यानी इसका उत्तर होगा -8/3, 3 × 12 = 3 × 7 = 21, यानी +7/3, देखिए ये प्लस था ये माइनस, ऊपर होकर भी माइनस था तो प्लस होता, हमेशा उत्तर भी यही रहेगा 7/3 = 12, तो 7/3
ठीक है, ये उत्तर है, समझ पाए, कहीं पर दिक्कत था डायरेक्ट सॉल्व कर। अब उसके बाद यहां पर 14 जो 56, अब धीरे धीरे हम जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे। अब यहां पर क्या उत्तर आया, देखिए प्लस माइनस था, प्लस और माइनस अगर दोनों हो तो उत्तर हमेशा प्लस माइनस और प्लस आएगा, क्या है माइनस और प्लस आएगा, हमेशा उत्तर माइनस और प्लस आएगा। और माइनस किसका रहेगा, जो बड़ा फैक्टर होता है वो माइनस का रहेगा, जो बड़ा फैक्टर होता है वो क्या रहेगा माइनस का रहेगा, बात ही खत्म। अब चलो यहां पर देखो, अब हम फास्ट करने की सोच, 14 चौक 56 ऐसे भी गुणे करो कि जोड़ने पर 15 है, 7 8 56 और माइनस प्लस के उत्तर दोनों क्या आएंगे, दोनों ही प्लस आएंगे, है ना, क्या आएंगे दोनों ही प्लस आएंगे। तो दोनों ही अगर प्लस आते हैं 14 चौक 56 तो दोनों 7 8 बटे 4 8 बटे 4 डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, 2 4 1 4 4 2 8 तो 7 बटा 4 और 2 उत्तर, डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कछु ना लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो यहां पर जो उत्तर है ये 7 बटे 4 और 2। अब यू हैव टू कंपैरिजन, कंपैरिजन बिल्कुल फिक्स है, देखिए मैं बता रहा हूं, एक बार तो ये छोटा है और ये बराबर है, और इससे तुलना करो तो ये छोटा है, इससे तुलना करो तो ये बराबर है, इसका मतलब होता है x छोटा और बराबर है y, ये दिख रहा है ना भाई, माइनस 8/3 तो छोटा है इन दोनों से, और ये 7/4 इन दोनों से क्या है, इसके बराबर है, और इससे करें इससे इसकी तुलना करें तो ये बोल के ऊपर वाला छोटा है, इसका मतलब होता है x जो है वो 3 बार तो छोटा और 1 बार क्या है बराबर, बात ही खत्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इसकी वैल्यू आएगी x less or equal y, समझ पा रहे। अभी 2 क्वेश्चन हुए, 8 क्वेश्चन बचे, अभी हम फास्ट फास्ट देखिए, बिल्कुल साथ में चलिए, आप सोचेंगे कि यहाँ पे रॉकेट साइंस ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस है बस, और प्रैक्टिस से सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्या है इस क्वेश्चन, 3x² + 13x + 12 = 0, y² + 9y + 20 = 0। अब इसमें जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ भी लिखेंगे, फास्ट फास्ट लिखेंगे, देखिए जब दोनों दोनों प्लस हो, ये भी प्लस हो, ये भी प्लस हो, तो दोनों उत्तर माइनस में आएंगे, बात ही खत्म, और जब यहाँ पे दोनों ये भी प्लस प्लस है तो दोनों प्लस में आएंगे, दोनों का माइनस उत्तर उत्तर आएंगे, ठीक है। अब देखो 12 + 36 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर कितना होता 13, तो कितना होता 9 + 36, अब 9 + 36 मतलब दोनों माइनस के उत्तर आएंगे, तो -9/3 और -4/3 इसके उत्तर, जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ भी लिखेंगे, और -9/3 को लिख सकते हैं -3। देखिए हमने धीरे धीरे हमारी स्पीड को थोड़ा बढ़ाया, क्यों लिखा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब यहां 20 जब इसका गुणांक कुछ नहीं हो तो जो भी करेंगे वही उत्तर होगा, तो 20 के ऐसे टुकड़ा करोगे जोड़ने पर 9 बराबर तो 5 × 20 और दोनों साइन माइनस के होंगे, दैट इज फाइन। अब देखो तुलना करते हैं -3 और -5 में कौन बड़ा, ध्यान रखिएगा, अब यहां बहुत सारा दिक्कत ये माइनस का बड़ा दिक्कत है भाई, जिसके आगे माइनस लगा हो वो चीज छोटी, जिसके आगे लगा हो माइनस वो छोटी, जिसके आगे माइनस लगा हो इसका मतलब वो ऋणी है, वो ज्यादा कर्जदार है, वो कर्ज बहुत ज्यादा ले रखा है, जिसने कर्ज ले रखा वो चीज छोटी होती है, इसका मतलब होता है -3 बड़ा होगा -5 से, -3 बड़ा होगा -4 से, -4/3 भी बड़ा होगा -5 से, और -4/3 भी बड़ा होगा -4 से, इसका मतलब होता है ईच एंड एवरी वैल्यू x ग्रेटर देन y क्या होगा, x ग्रेटर देन y, समझ पाए, बहुत कितना आसानी से बोल रहा है सवाल, ठीक है, अच्छा लग रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 8x² - 15x + 7 = 0, 2y² - 7y + 6 = 0। अब इसमें जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ भी लिखेंगे, ध्यान रखना 7 8 56 माइनस प्लस के उत्तर क्या आएंगे दोनों प्लस, माइनस प्लस के उत्तर क्या आएंगे दोनों प्लस, यानी उत्तर दोनों प्लस आएंगे, ठीक है। अब करो 7 8 56 ध्यान रखिए फिर से 7 8 56 56 कैसे टुकड़े करोगे जोड़ने पर 15 प्राप्त हो, तो भाई 7 और 8 इसका मतलब होता है इसका उत्तर होगा 7 और 8 और 8/8 तो 1 हो जाएगा, तो इसका उत्तर होगा 7/8 और 1, जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे। अगला
छेदुनी 12, 12 कैसे टुकड़ा करो जोड़ने पर सारा प्राप्त हो, इसका मतलब होता 4 3 12 यानी 4/2 और 3/2 4/2 मतलब 2 आया सर, डायरेक्ट उत्तर ही लिखेंगे आपकी। देखो यहां 7/8 एक से कम है, तो एक से कम ये छोटा होगा, ये भी एक छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, इसका मतलब होता है हर चीज में x छोटा है y से। ठीक, कितने आसान क्वेश्चन, बड़ा मजा आ रहा होगा है। चलिए पसीने की बूंदें भी चमकने लग गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 5। चलिए पांचवा नंबर लिखते हैं। पांचवा नंबर तो आपके पास वो 7x-3y=13 और 5x+4y=40। अब इस सवाल का सॉल्यूशन भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब आप सोचोगे कि सर इसका सवाल का सॉल्यूशन को ऐसा लिखो, कुछ नहीं मैं डायरेक्ट लिखूंगा। डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट का मतलब ये हो रहा है कि ये चल वाले दो चल वाले एक समीकरण है जिससे पहले सेशन में मैं करवा चुका हूँ, उसके 25-30 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो आप वहां जाके प्रैक्टिस करें। देखिए प्रैक्टिस करोगे तभी जाके यहाँ पे सवाल सही होगा। देखो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकालूंगा मैं, 3×52 40 दिया 120, 120 और 52 172, ठीक है 7×28 5 दिया 15, 28 और 15 क्योंकि माइनस माइनस में जा 28 और 15 कितना 43, तो 43 4×16 3×12 मतलब ये हो रहा है 3×12 मतलब 4 बार हो रहा है, कितना बार हो रहा है 4 बार, तो यहां पे x बराबर कितना हो 4, x बराबर 4 हो गया तो 5×20 40 में से 20 गए तो 20, y बराबर कितना हो जाएगा 5। अब x बराबर 4 y बराबर 5 तो x छोटा है y से। लेट्स सी योर आंसर फर्स्ट, आ रहा समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कितने क्वेश्चन हो गए 5, आधा काम तो हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, 2x²-11x, 2x²-11x+15=0, 21y²-23y+6=0। ये सवाल कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए इसमें कोई 15×20, 30 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर ग्राफ हो 11 प्राप्त हो, ठीक है 30 के तो 6×5=30, अब 6/2 3, 5/2 ये रहा, और दोनों उत्तर प्लस के आएंगे, जो भी लिखेंगे उत्तर प्लस के लिखेंगे वो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 21×6=126, अब सब पहाड़ नहीं आओ तो छोड़ दो सवाल को, जाओ उधर हो गए, आप सब चीजें तो इंपॉर्टेंट है, आप सोचोगे कि मैं तो वर्ग समीकरण पढ़ रहा हूं तो मुझे कुछ भी आती होगा, चले सारी चीजें जरूरी है, ठीक है 21×6=126, अब 126 में 23 लाना है, अब आपको नहीं पता हो तो क्या 7×3 और 6 का लिख सकते हैं, 3×2 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक अब करिए, आपको नहीं पता कोई चक्कर कोई दिक्कत नहीं, तो अब आप मतलब 23 के ऐसे मतलब 21 छंग के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 23 प्राप्त हो, तो 14×126, अरे होता क्यों होता है 14×126 और 14×9 कितना होता है 23 होते हैं, तो कहां इतना झंझट पड़ रहा है, तो पहाड़े आ रहा तो मजा आएगा 30 तक पहाड़े मैंने बोल रेफर करो, आज ही अपनी कॉपी में लिख दीजिए कि सर ने बोला है कि 30 तक पहाड़े याद होना चाहिए और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का यही है, छोटी छोटी चीजों से ही आगे बढ़ा जाता है। आप सोचोगे कि नहीं मेरे को तो वर्ग समीकरण याद है पहाड़े की जरूरत मेरे को, तो फिर कोई बात नहीं कर रहे ना, ठीक है। अब देखो 14×9 कितना होता है 136, यानी 14×9 देखिए उत्तर क्या आएगा 14/21 और 9/21, ये समझ रहा हूं 14/21 मतलब 7×2=14, 7 × 21 3 × 9 3×7=21, ठीक अब ये उत्तर हो गया। अब यहां पे इससे तुलना करो, देखिए 3 छोटा ये छोटा मतलब कुल मिला के ये चीज बड़ी, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ x > y आपका उत्तर, कहीं कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ी फास्ट में चल रहा हूं, फास्ट में चल रहा हूं, एक ही दो देखो फास्ट नहीं चलोगे तो कुछ नहीं होगा साहब, यहाँ पे 10 के लिए सारा 1000 पंप होते हैं 2000 पंप होते हैं, ठीक है चलिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 तो चुका है नहीं 7 बचा है, चलिए क्या है 7, 5x² -
16x + 11 = 0 और उसके बाद 5y² - 3y - 2 = 0। आठवां भी देख ही देता हूं हाथों हाथ। आठवां सवाल, x² + 11x + 28 = 0 और एक और क्या है, 2y² - 13y + 20 = 0। ठीक है, इसकी भी थोड़ी हम सुविधा कर रहे हैं आगे जाके। ठीक है, चलिए अब इसको सॉरी 11 5 55 55 कैसे टुकड़े करिए कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए 16। तो क्या होगा 11 5 और 11 5 कितना होता है 16 तो होता है। तो क्या होता है 11/5 इसका उत्तर होगा और 5/5 एक उत्तर होगा, जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे। अब उसके बाद दूसरा उत्तर क्या होगा, 5 × 10 10 कैसे टुकड़े करिए कि जोड़ने घटाने पर 3 प्राप्त हो। अब देखो ध्यान से सुन लेना, यहां पे जो उत्तर आया है वो 11/5 और 1 आया है। और देखो 5 × 10 10 कैसे टुकड़े करेंगे कि घटाने पर 3 प्राप्त हो, तो -5 और -2 -5 में से 2 गए तो क्या हो जाएगा -3 बचे। ठीक, अब -5/5 और 2/5 ये उत्तर है। पर माइनस दोनों अगर माइनस है, ध्यान रखिएगा अगर दोनों ही उत्तर कितने हैं माइनस है तो आपका जो उत्तर आएगा वो प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस का उत्तर माइनस प्लस रहेगा और माइनस माइनस का उत्तर प्लस माइनस रहेगा, दोनों प्लस का उत्तर माइनस रहेंगे और दोनों माइनस का उत्तर। ठीक है, और बड़ी संख्या का साइन हमेशा ये वाला रहेगा। ठीक, तो बात ही खत्म, आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको। कैसे लिखेंगे, देखिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताने के लिए यहां पे लिखा 5 × 10 तो यहां पे 5 और 2 इसके फैक्टर होंगे, 5 और 2 तो इसका उत्तर होगा 5/5 मतलब 1 और 2/5 ये उत्तर होगा। ठीक, समझ पाया। अब 11/5 और 1 की तुलना करेंगे तो ये बड़ा रहेगा है और ये सॉरी माइनस का रहेगा, ये कितना रहेगा माइनस का रहेगा। 11/5 की तुलना करेंगे तो ये बड़ा रहेगा, इन दोनों की तुलना करेंगे ये बड़ा रहेगा, इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये बराबर रहेगा, इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये बड़ा रहेगा। इसका मतलब होता है एक्स बड़ा या बराबर है वाई, तो आपका एक्स बड़ा बराबर। ठीक, अब इसकी तुलना 28 7 4 28 और माइनस उत्तर -7 -4 और x² = 1 तो उत्तर ही खत्म। ठीक, अब उसके बाद यहां पे क्या 20 × 60 60 कैसे गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर कितना 13। चलिए तो 20 × 40 40 कैसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए 13 हो जाए। अब 13 हो जाए तो क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे 13 कैसे आएगा भाई, 20 × 40 40 के कौन सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 8वां, 2y² - 13 हाँ, तो 40 कैसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर 13 हो, किसको 8 5 40। अब 8 5 40 का मतलब क्या होता है माइनस प्लस, इसका उत्तर क्या होगा दोनों ही प्लस के होंगे, यानी 8/2 मतलब 4 और 5/2 यानी 5/2। ठीक, अब इसका मतलब होता है दोनों ही माइनस के और दोनों ही प्लस के, इसका मतलब होता है उत्तर इसका आएगा x छोटा है y से। ठीक है, अब एक बात बताऊं मैं यहां पर, मैं यही बताना चाहता था इस प्रकार की इक्वेशन हो जब इसके दोनों साइन प्लस प्लस के हो और एक के साइन माइनस प्लस के हो तो इसके उत्तर हमेशा माइनस के आएंगे और इसके उत्तर हमेशा प्लस के आएंगे, तो एक माइनस हमेशा प्लस से क्या होता है छोटा ही होता है, इसका मतलब x बड़ा है y से, बिना हल करे इसका डायरेक्ट उत्तर लिखा जा सकता। ठीक है, ध्यान रखना, वीडियो पॉज करके और समझ लो अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, 6x² + 29x + 35 = 0 3y² + 19y + 30 = 0 और 10वां लिख लेता हूं साथ में 2x + 5y = 6 और 5x + 11y = 9। अब यहां पर देखिए इन सवालों को देखिए, 35 कितना होता है वही 210, अरे 35 कितना होता है 210 होता है, 210 कैसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर 29 हो, वही 14 19 14 और 15 तो 14/6 तो इसके उत्तर क्या आएंगे 14/6 और एक और आएगा कितना 15/6। ठीक, और दोनों माइनस के होंगे, ये बात है क्योंकि प्लस प्लस के उत्तर माइनस के होते हैं, तो क्या होता 14/6 मतलब 7/3 तो इसका उत्तर आएगा, इसका पहला उत्तर आएगा -7/3 और यहां पे 3 × 6 3 × 5 = 15 यानी -5/5। ठीक, कहीं पर दिक्कत,
अब यहां पे उत्तर आया इसका उत्तर 30 दिया 90 90 कैसे टुकड़ा करोगे जोड़ने घटा में जोड़ने पर कितना 19 तो 10 9 90 मतलब होता है -10/3 और -9/3 ठीक है इसका मतलब होता है -10/3 और -3 दिया 9 यानी -3 और आपको पता ही उत्तर हमेशा दोनों माइनस करेंगे अब इस दोनों की तुलना करेंगे अगर तुलना करेंगे तो -7/3 -10/3 से क्या है बड़ा है -7/3 -3 से हमेशा बड़ा रहेगा भाई जो चीज जितनी छोटी उतनी ही बड़ी होती है माइनस में -5/2 मतलब ढाई ढाई 10/3 10/3 का मतलब होता है 3.25 3.33 तो ये चीज बड़ी रहेगी और ये चीज इससे बड़ी रहेगी इसका मतलब होता है यहां पर ईच एंड एवरी कंडीशन एक्स बड़ा है किससे एक्स बड़ा है वाई से फिर से 11 2 22 5 5 25 तो 22 में से 25 गए कितना बचा माइनस कितने और माइनस कितने कटेंगे तो 3 7 21 तो -7 x बराबर कितना होगा -7 x बराबर -7 कहीं पे भी रख दो यहां कितना रखेंगे -7 7 2 14 -14 उधर जाएंगे तो +6 मतलब 20 हो जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 अब देखो x की वैल्यू कितनी -7 और y की वैल्यू कितनी 4 तो x छोटा है y से समझ पाए तो इस प्रकार से आपने यहां पे वर्ग समीकरण को सीखा अभी हम कम से कम वर्ग समीकरण के 25-30 सवालों को करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा यहां पर इन 10 सवालों को किसी से कॉम्पिटिशन मत करिएगा आपको नहीं लगता है तो 10 सवाल को पूरा आराम से आधा एक घंटा लेकर पूरी तरह से समझिएगा जब तक कि उत्तर आपके हवा में नहीं लग जाए उसके बाद इन 10 सवालों को प्रैक्टिस करिएगा 5 मिनट का समय लेकर करिएगा ठीक है और अपडेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जवाब दिखेगा है ना किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है जो भी लग रही है जैसा भी लग रहा हो अच्छा लिखिए आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ओके थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत।